Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Funerary Pirate. How are you doing all? Hope you all are doing well. And now I start my day with this a mug of green juice, and this is my morning routine. Every morning I used to have this green juice. जो लोग पहले से जुड़े हुए हो, people who have been connected with me since long, उनको पता ही है, मैंने पहले भी दिखाया था. And people who are new, उनके लिए मैं बता दूँ, it's a bottle gourd and bitter gourd juice. लौकी और करेले को मिक्स करके एवरी मॉर्निंग मैं ये जूस पीती हूँ एंड मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ इस जूस के साथ में. आई एम गोइंग टू हैव सम वॉर्म वाटर. मेरा पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे किचन में. मेरा जो इलेक्ट्रिक केटल है ना, वो थोड़ा वॉश करना है अच्छे से, तो इसके लिए फ़िलहाल मैं मेरा पानी यहीं पे गर्म कर रही हूँ. ज़्यादा गर्म हो गया, पानी मिक्स करना पड़ेगा. नॉर्मल वाटर मिक्स करना पड़ेगा. पसीना, इतनी गर्मी है किचन में. जो खाना बनाती है ना, हैट्स ऑफ टू हर. इतनी गर्मी में मैं सिर्फ चाय बना रही हूँ तो मेरी ये हालत हो रही है. फिर भी हमारा यहाँ से पूरा खुला है. See, this place is totally open. तो फिर भी बंद रखना पड़ता है किचन को, क्योंकि हवा बहुत चलती है ना बाहर, और अगर खाना बन रहा होता है तो गैस को हवा लगती है तो खाना नहीं बन पाता. इसके लिए इसको स्लाइड को बंद रखना पड़ता है. किसे टपक रहा है पसीना? See, oh my God. ये स्वेटिंग इसलिए इतना ज्यादा हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने खूब सारा गर्म पानी पिया. जितना पिया उतना आप लोगों को दिखाया नहीं मैंने. मैंने टोटल 3 ग्लास मैंने पानी पिया है गर्म गर्म, और अभी जो टॉक्सिन्स है ना अंदर का, वो बाहर निकल रहा है पसीने के साथ में. इसके लिए बोलते हैं ना गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, दिस इज द रीजन कि गर्म पानी पियोगे तो अंदर के जितने टॉक्सिन्स हैं उसके साथ सब बाहर निकलेंगे. ब्रिजी सो एरी, यहाँ पे बैठना इतना अच्छा लगता है ना. इतनी सुंदर हवा चल रही है, बीच बीच में रुक भी रही है. एंड आई वोर दिस ओवर कोट बिकॉज आई हैव टू गो डाउन. मेरी गाड़ी को ना 1 महीना हो गया बिल्कुल हाथ नहीं लगा. 1 महीना पहले थोड़ा जगह शिफ्ट किया था यहाँ से वहाँ, और आज मुझे स्टार्ट देने जाना है अभी ये चाय फिनिश करने के बाद में, एंड आप लोगों को लेके जाऊँगी. ओके, तो अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि मुझे पहले मेरे लास्ट कुछ बहुत टाइम हुआ, कुछ प्रीवियस ब्लॉग्स में से एक ब्लॉग में किसी ने मुझे नीचे कमेंट में पूछा था कि आप डाइट अपना डाइट प्लान बताएं प्लीज़. तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इंटरमिटेंट डाइट पे रहती हूँ, अभी से नहीं सालों से. इंटरमिटेंट डाइट इन द सेंस 14 to 16 आवर्स का फास्टिंग होता है. अब अगर मैंने रात को 9 बजे डिनर किया था तो सुबह 9 बजे तक 12 आवर्स होता है, और 14 से 16 घंटा हमें फास्टिंग करना होता है इंटरमिटेंट डाइट पे. और अगर मैं अब खाना खाऊंगी, कुछ सॉलिड फूड लूंगी, तो सीधा 14 से 16 घंटे के बाद, मतलब सुबह 9 बजे तक अगर 12 घंटा होता है तो 11 बजे तक 14 घंटा होता है, और 1 बजे तक 16 घंटा होता है.
तो मैं 1 से 1.5 के बीच में लंच करूँगी, वही मेरा अब बोल सकती हो कि फास्ट ब्रेकिंग होगा। फास्ट ब्रेकिंग तो हम पानी से ही कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह से खूब सारा गर्म पानी पीती हूँ, ग्रीन जूस पीती हूँ, वेजिटेबल जो आपको दिखाया। एंड उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले, आज तो मैं बहुत लेट उठी हूँ, 9:30 बजे मैं उठी हूँ आज, क्योंकि लेट सोई थी रात को, थोड़ा काम कर रही थी ऑनलाइन। पर्दा है पर्दा, तो ये रहा मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं बहुत पहले से इंटरमिटेंट डाइट पे रहती हूँ और मुझे भूख भी नहीं लगती है, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लगती है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कैसे रहती हो, आदत से मजबूर, आदत बना लिया। अब अगर आप मेरे सामने खूब सारा अच्छा अच्छा खाना भी ला के दोगे तो भी मैं मॉर्निंग में तो नहीं खा सकूँगी, मैं बोलूँगी रख दो, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खाऊँगी। सब नीचे जाना है, वेट कर रही हूँ लिफ्ट का। बज गई बैंड, बैटरी डाउन हो गई है। अब लॉकडाउन खुलेगा जब ही, उसके बाद बैटरी को चार्ज करके तभी गाड़ी चालू होगी। एक्चुअली मेरा भी बहुत इलनेस था, मेरा मन ही नहीं करता था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था तो नीचे उतरती थी, शॉपिंग जाती थी, तभी भी एटलीस्ट गाड़ी को तो स्टार्ट करना चाहिए था। मूड ही अच्छा नहीं लगता, पता है चीज़ें भूल जाती हूँ। कई बार सोचा था नीचे जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, लेकिन फिर दिमाग से उतर जाता था। इतना बड़ा काम है, पापा होते ना तो बहुत डांट पड़ती, पापा होते तो यह हालत होती नहीं, पापा खुद ही सब संभालते थे, मुझे ये सब चीज़ों का टेंशन लेना ही नहीं पड़ता था। हुडी ऑफ हो गया मेरा, पता है अभी जाती हूँ और गुड न्यूज़ मम्मी को सुनाती हूँ कि गाड़ी की बैटरी हो गई है डाउन। माँ गाड़ी बैटरी डाउन। सब जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद गैरेज स्टार्ट होगा, अभी तो गैरेज भी बंद है। उसके बाद मेरे पापा जब थे ना तो बैटरी खुद खोलते थे और उठा के, जैसे एक दो बार पहले भी हुआ था ऐसा बैटरी डाउन, तो क्योंकि पुरानी बैटरी थी तभी हमारे, तो बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो जाता था। तो पापा जाते थे, खुद निकालते थे, खुद लेके जाते थे, चार्ज करके फिर लेके आते थे। मुझे ये सब आता नहीं है तो गैरेज से लड़के को बुलाना पड़ेगा, वो आएगा खोल के लेके जाएगा, चार्ज करा के फिर उसको सेट करके जाएगा। आ रही हूँ मेरा काम करने, मुझे करना है वर्कआउट, एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद देन आई विल टेक माय बाथ।